हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी अड्डा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11th वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 साइंस के क्वेश्चन आंसर्स। देखेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पर। आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं द स्टडी अड्डा को, और टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। साथ ही जो लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कोर्स खरीदना चाहते हैं वो अड्डा 247 ऐप पर जाकर खरीद सकते हैं। तो ये आ गए हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन चैप्टर क्वेश्चंस का, और चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ए फोर्स ऑन 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू है 7 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू है 7 न्यूटन। और द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। फोर्स हो गया 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 मीटर। समझते रहिएगा, उसके बाद इसके रिटर्न सॉल्यूशन भी आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। पहले समझ लीजिए। तो 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ 8 मीटर पर, कोई ऑब्जेक्ट चला गया। तो लेट अस टेक इट द फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन होता है W इक्वल टू F इंटू S। तो 7 × 8 आंसर इज 56 जूल। हाउ यू विल राइट दिस आंसर, दिस इज योर सॉल्यूशन। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द डिस्टेंस एस, द वर्क डन इज, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन की W इक्वल टू F इंटू S। तो S 7 न्यूटन और S 8 मीटर, तो 7 × 8 56 न्यूटन मीटर और जूल। तो आप आंसर इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन डू वी से द वर्क इज डन। हम कब कह सकते हैं वर्क हुआ? फर्स्ट कंडीशन, फोर्स अप्लाई होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? फोर्स अप्लाई होना चाहिए। फर्स्ट फोर्स जो है वो अप्लाई हो किसी ऑब्जेक्ट पर उसके, और दूसरा उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरा क्या हो? उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये हमारी दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कह पाएंगे वर्क इज डन। तो हमेशा ये याद रखना, वर्क का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है। वर्क का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यही है कि वर्क में हमारा क्या होना चाहिए, एक तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और दूसरा उसकी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब जो फोर्स है उसने कुछ काम किया है, ठीक है, हम कह सकते हैं वर्क हुआ है। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, वर्क इज कंप्लीटेड वेन एवर द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्ट होना चाहिए। फर्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कॉज्ड बाय द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हैं तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, क्या होता है? एफ इंटू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है, और एफ क्या है? फोर्स है, फोर्स अप्लाइड जो है फोर्स है, और एस क्या है? एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो इन चारों को हम लिख देंगे तो हमें ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया W इक्वल टू F इंटू S। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, व्हेन अ फोर्स S डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू द डिस्टेंस S। अगर एक फोर्स ने, F ने उसको डिस्प्लेस किया S डिस्टेंस तक, तो अप्लाई हुआ, वर्क डन हुआ W, तो W इक्वल टू F इंटू S। क्लियर? डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। वॉट इज 1 जूल वर्क? 1 जूल वर्क क्या होता है? तो अगर W इक्वल टू F इंटू S होता है, ठीक है, अब जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो अगर 1 जूल हमें काम करना है तो 1 न्यूटन फोर्स लगाना होगा जो 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे। बात समझना, 1 मीटर। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया,
ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, और इस ऑब्जेक्ट ने इसको डिस्प्लेस कर दिया कितनी दूर, 1 मीटर की दूरी पर, इसको वो 1 मीटर दूरी ले पर ले गया। तो अगर इस फोर्स ने 1 मीटर दूर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इस फोर्स ने कितना काम किया, इस फोर्स ने काम किया 1 जूल। तो वर्क, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन यही हो जाएगी, 1 जूल इज दैट क्वान्टिटी ऑफ लेबर, लेबर मीन्स वर्क, लेबर मीन्स वर्क, लेबर डन बाई द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, सॉरी वन, हाँ, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन द ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस इट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 न्यूटन का वो फोर्स जो इसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, उसने जो काम किया वो है 1 जूल। क्लियर है? तो ये नोट कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन। ये विद इन द चैप्टर आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, चैप्टर के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में बीच में दिया हुआ है वो है, ए पेयर ऑफ बुल कार्ट एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। कितना फोर्स लगाता है, 140 न्यूटन का फोर्स लगाता है ए पेयर ऑफ बुल कार्ट ऑन अ प्लग हल पर। प्लग बोलते हैं हल को, और बुलक का बुल लॉक हो गया हमारा बैलों का जोड़ा। तो द फील्ड प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग। कितना खेत हम जो है उन्होंने जोत दिया वो है 15 मीटर लेंथ। तो हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हुआ, तो सेम फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू S। तो 140 इंटू 15 और आंसर आप सॉल्व करेंगे तो 0 और 15 फोर जो 66 और 15 और 6 21, तो 2100 जूल आंसर आ जाएगा आपका। कितना वर्क किया जो है बुल लॉक ने, तो आंसर आपको कैसे लिखना है ये है गिवन। अप्लाइड फोर्स दिया है, डिस्टेंस दी है, तो W इक्वल टू F इंटू S या F इंटू D कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2100 जूल वर्क हुआ है जो कि खेत को टाइलिंग करने में, खुदाई करने में, प्लगिंग में किया गया है बुल लॉक के द्वारा। क्लियर है? वॉट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ड्यू टू द मोशन। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन, जैसे अर्थ जो है किसके, सन के अराउंड जो है मोशन करती है, ये कार मोशन कर रही है, तो जब मोशन कर रही है एक डायरेक्शन में रोड पर चल रही है, तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी बाई द वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू ऑफ मतलब ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन द, तो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी। हर कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा हो, जो कि मोशन में हो, वो क्या रखता है, काइनेटिक एनर्जी रखता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस बार हमसे लिखवाया है फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m क्या है, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको कह सकते हैं। तो किस किस पे डिपेंड करता है ये जो काइनेटिक एनर्जी है, डिपेंड करती है मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं, दोबारा से मैं समझाता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, फॉर्मूला हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, यानी कि जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो मोशन में रख सकता है। ठीक है, और दूसरी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द
काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ स्पीड, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखना है, ये रहा आपका आंसर। इफ द बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद द स्पीड वी, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई के या के ई, या आप कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ई के लिख सकते हैं, के ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। यूनिट सभी एनर्जीज की जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, सबकी जो है यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, सभी की यूनिट है जूल या न्यूटन मीटर। तो आप याद रखेंगे इनकी यूनिट क्या है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद द वेलोसिटी 5 meter per second। तो एक वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 meter per second, कितनी दी है 5 meter per second, और ऑब्जेक्ट का मास हमें नहीं बताया है, तो मास को हमने m ही मान लिया, इज 25 जूल। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल है, काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ When its velocity is double, तो first हमें calculate कर लेना है mass। तो हमारे पास formula होता है ke is equal to half mv square। तो ये formula है, देखिए v की value 5 दी है, v की value 5 meter per second है, formula क्या है, ke is equal to half mv square। तो ये formula है, और 25 joule हमें पता है, तो 25 बराबर हो गया 1/2, और m की जगह पर m ही रख देंगे, और 5 का इस 5 का स्क्वायर कर लिया, तो 25, 25 से 25 कैंसिल, दो उधर चले गए, तो मास आ गया 2 kg। तो मास हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, अब हम इसी मास को हर बार लेंगे। वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, यानी डबल करने का मतलब v1 क्या लेना है आपको, 10 ले लेना है। अगर एक बार m की वैल्यू 2 लो और v की वैल्यू 10 लो तो कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी बात, वेलोसिटी ट्रिपल कर लो तो v की वैल्यू अगर 15 कर दोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, पहले हमने मास निकाल लिया था 2 kg, उसके बाद मैंने 10 को डबल कर लिया, तो 1/2 × 2 × 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 1/2 × 2 × 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 जूल हो गया। तो एक बार वेलोसिटी को डबल किया, एक बार वेलोसिटी को ट्रिपल कर लिया, किससे, इनिशियल से 5 से लेकर के, 5 से डबल कर दो 10 हो गई, ट्रिपल कर दिया 15 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज पावर, पावर क्या है। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, शॉर्ट में अगर हम कहें रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो होती है पावर, यानी कितने समय में कितना काम किया गया। अगर मैं कहूं कि आप जो है कोई, आप 4 काम करते हैं, आपने 4 काम कर दिए और आपको लगा 1 घंटा, और दूसरे व्यक्ति ने 3 काम करे, उसको भी लगा 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर उसने भी लिया, तो पावर किसकी ज़्यादा हुई, जो कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा हुई, उस हुई नहीं हुई। तो ये जो पहला पर्सन ए है, इसकी पावर ज़्यादा है दूसरे पर्सन बी से, है नहीं, तो इसी को हम कहते हैं, यानी वो तेज़ी से काम कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है उसका, हाई है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, हाई है, तो वो कम समय में ज़्यादा काम करना, यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/T। तो जिसको समय कम लगेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, W = P = W/T, ठीक है। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, पावर इज दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क और स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सेम ही बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो W क्या हो गया, वर्क हो गया, और T हो गया टाइम, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा P = W/T, यानी वर्क अपॉन टाइम, और यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम कहते हैं वॉट, इसको वाट कहते हैं, या कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं वाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1 watt। अब सेम बात है कि पावर क्या हुई, पावर हुई W/T, पावर है W/T, तो 1 watt क्या होगा, 1 watt होगा 1 joule/1 second होगा कि नहीं, अगर क्योंकि वर्क की है जूल और टाइम की है सेकेंड, यानी 1 second में 1 joule काम अगर कोई कर दे, या यूनिट टाइम में 1 joule काम कर दे, अगर
एक सेकंड हो, एक मिनट हो, इनको हम क्या कहते हैं, एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा। तो ये जो है 1 आवर, ये इनको हम सिंपल टर्म में कहते हैं यूनिट टाइम। सिंपल टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में अगर एक जूल वर्क हो जाए, यूनिट टाइम में क्या हो जाए, एक जूल वर्क हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी 1 वॉट। उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट। तो इसको कैसे आंसर करेंगे, देखिए, ए बॉडी इज क्लेम टू पजेस द 1 पावर ऑफ 1 वॉट। एक बॉडी को हम कहेंगे कि उसकी पावर 1 वॉट है, इफ़ यदि इट विल वर्क ऑन द स्पीड ऑफ 1 जूल, ऑन द स्पीड ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। इसको हम कह सकते थे 1 जूल पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड में कितना काम कर दे, 1 जूल काम कर दे, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल। तो ये क्या है, वर्क, वर्क दिया है 1000 जूल इन 10 सेकेंड। ये क्या है, टाइम, टाइम 10 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द पावर, तो पावर निकाल दो, P इज इक्वल टू W अपॉन T, 1000 अपॉन कितना, 10। तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर हो गया 100 वॉट। कितनी पावर का बल्ब है, 100 वाट की पावर का बल्ब है। 10 सेकेंड में कितने जूल खर्च कर रहा है, 1000 जूल खर्च कर रहा है। क्लियर है, तो आंसर देखिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। इस तरह से लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू डब्लू पॉइंट टी, पी इक्वल टू डब्लू पॉइंट टी, टाइम दे रखा है 10 और वर्क दे रखा है 1000, 1000 डिवाइड बाई 10 इज 100 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है, तो एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए। तो एवरेज पावर का मतलब है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि एवरेज स्पीड होती है द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सेम टोटल टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज पावर निकल जाएगी, अगर मान लो 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने सारे टोटल वर्क कितना किया, मिला के वो सारे वर्क जोड़ दो, और सबको टाइम कितना लगा वो सारा टाइम जोड़ दो, तो उनकी सबकी एवरेज पावर आ जाएगी। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो मशीन या पर्सन होते हैं और उनकी हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करनी होती है, तो हम जो है सबका वर्क और सबका टाइम जोड़ लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसी से हमारा टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो हमारी आ जाती है एवरेज पावर। समझ गए, क्लियर। तो ये हमने चैप्टर के कर लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे को एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, वो हम करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा, ये करने के बाद पार्ट 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और वो डिस्कस होंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।